केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना देश में वित्तीय समावेशन लाने के सबसे बड़े साधन के रूप में उभरी है। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 50 से ज्यादा सरकारी योजनाओं के तहत लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब योजना शुरू की गई थी तो लोगों के एक वर्ग ने भद्दे कमेंट किए थे और कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दबाव में होंगे क्योंकि ये जीरो बैलेंस खाते हैं। हालांकि आज इन खातों में 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि है। A scheme, when it was launched in 2014, people were passing snide remarks to say, oh no, these are zero balance accounts. Who's going to fund them? Who's going to service them? Where will they have any balance in their account? This will be a burden on the public sector banks. केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में क्लाइमेट फाइनेंसिंग और उससे जुड़ी चुनौतियों पर भी विस्तार से बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में बहुपक्षीय विकास बैंकों सहित बहुपक्षीय संस्थान कम प्रभावी हो गए हैं। सीतारमण ने वैश्विक आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों को भी रेखांकित किया। जोर दिया कि निवेशकों और व्यवसायों को निवेश संबंधी फैसले करते समय ऐसे फैक्टरों को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कर्ज के हालात को लेकर सचेत है और उसने ये सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रबंधन किया है कि आने वाली पीढ़ी पर बोझ न पड़े। Have a balance in total among all of them, over 2,00,000 crores of Indian rupees. 2.05 lakh crores is the balance in these accounts. So businesses can no longer be attracted by just policies or by just openness of an economy. They're also going to factor in. इस तरह की और भी अपडेट्स जानने के लिए नवभारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।